एक दो आपको दिखाते हैं अभी, ये देखिए, ये देखो देखो, हमको देख के चला गया वो बेचारा। यही सब है, क्या व्यू है फ्रेंड्स यहाँ पे, मतलब मज़ा आ जाता है ऐसी जगह पे जाने का एकदम। मल्लेश ऐसा व्यू पॉइंट अच्छा है ना, कितना मतलब कौवा है कि उसका निकल लेकिन को काला हो गया हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस हम लोग आज घूमने जा रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कुछ यूनिक करना चाहते हैं, तो यूनिक शुरू में हो गया। सुबह ही मल्लेश भाई के घर पे गए, मल्लेश भाई को नींद में एकदम मजा आ रहे थे, और एक घंटा पूरा लगाया है उठने में मतलब रेडी होके आने में, जिसमें नहाना इंक्लूडेड नहीं है भाई क्या कर रहे थे बताओ जरा नाइट में जॉब करते हैं, सो रहे थे आपको बाहर रुका कर तो फ्रेंड्स देखो ऐसा होता है, बारिश में मैं रुका था फ्रेंड्स, लिटरली बारिश हो रही थी वहाँ पे, रेनकोट पहन के बंदा ऐसा खड़ा है और इधर अंदर आके सो रहे लोग, क्या बोलना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है अभी, दोस्ती उस्ती कुछ काम की नहीं फ्रेंड, ना ऐसा रहता है बारिश में खड़ा करके लोग सो रहे सोचने वाली बात है। तो चलो आपको लेके चलते एक स्पेशल जगह, आपको कुछ दिखाते हैं। कचरे का डब्बा ही तो टेढ़ा है ये सब स्वच्छ भारत समझ में आता है, जो पच मारते रोड पे सब पान बीड़ी खा के ऐसा थूक देते हैं, किसको उनका क्या करना चाहिए, मतलब जो लोग हैं ऐसे ऐसा बोल ना। तो मतलब हम मैसेज देना चाहते हैं कि साफ सफाई रखे अपने घर पे हैं, आपको चल रहे हैं, आप दिखाते हैं आपका नवी मुंबई का सबसे बड़ा हेड ऑफिस जो है वो दिखाते हैं आपको। ये जो आप सामने देख रहे हैं NRI कॉम्प्लेक्स है, ये सब पैसे वाले रहते हैं यहाँ के, जो पॉश लोग हैं एकदम पॉश नवी मुंबई के वो सब यहाँ पे रहते हैं। रोड देखिए, हाँ एक कचरा नहीं है। DPS है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बड़े बड़े सबके लोग बच्चे पैसे वालों के बच्चे पढ़ने आते भाई। हाँ बारिश में उड़ गए थे लोग, क्या बैठे रहेंगे थे क्या मालूम, रहने तो चाहिए बारिश में, सब उड़ गए। ये है फ्लेमिंगो लेक, फ्लेमिंगो पॉइंट, यहाँ पे जो नवी मुंबई में फ्लेमिंगो आपको मिलेंगे यहाँ पे। बोर्ड क्या लगा है, कौन सा रोड है वो? अरे वो नया बन रहा है कुछ फ्लेमिंगो व्यू, हाँ वही नहीं वही है फ्लेमिंगो व्यू पॉइंट, सब फ्लेमिंगो नाश्ता करने गए शायद। यहाँ पे दिखा है, ये है फ्लेमिंगो पॉइंट, और यहाँ पे आपको अभी तो नहीं दिख रहे फिलहाल, आजा मलेश जरा, नहीं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लेमिंगो दिखते हैं। देखिए जैसे कि एक दो आपको दिखाते हैं अभी, ये देखिए, ये देखो देखो, हमको देख के चला गया वो बेचारा। यही सब है, क्या व्यू है फ्रेंड्स यहाँ पे, मतलब मज़ा आ जाता है ऐसी जगह पे जाने का एकदम।
मल्लेश ऐसा व्यू पॉइंट अच्छा है ना, कितना मतलब कौवा है कि उसका निकल फ्लेमिंगो काला हो गया। तो फ्रेंड्स अभी तक मुझे पता ही नहीं था इतने सालों में मल्लेश को अभी स्कूटी स्कूटी का कवर मतलब सीट खोलने नहीं आता भाई, मतलब क्या है यार, कितने साल से बाइक चला रहा है भाई, बाइक चलाने वाले है भाई। अरे पर फिर भी यार स्कूटी आनी चाहिए ना यार, ऐसा थोड़ी है यार, इतने बार पेट्रोल भराया होगा, इतनी बार सब कुछ किया होगा चीज़ें। तो फ्रेंड चलते अब आगे, स्कूटी का शौक नहीं, स्कूटी का शौक नहीं है लोगों को, बहुत चीज़ का शौक होता है लेकिन वो पूरा नहीं होता कभी शौक। कभी को दिखाया नहीं तूने, बेचारा कब से पोज देके खड़ा है। फ्रेंड्स देख लो ये, ओ देखो अरे क्या पोज है, ओह हो दिख रहा है तो फ्रेंड सॉरी, अगर नहीं दिख रहा है तो भी सॉरी। ये देखो एक यहाँ पे उसका भाई है जो भी कर रहा हो। फ्रेंड चलते आपको आगे दिखाते हैं कैसे क्या है। ये है नवी मुंबई का मेन हेड ऑफिस और यहाँ से एंट्री मिलेगा आपको, यहाँ पे तीन लेन बना हुआ है, आगे से आपको अंदर घुसना पड़ेगा फिर आप अंदर जा सकते हो। फ्लैग है ये देखिए, वो फूल ये है फ्लैग, वैसे हालांकि अभी नहीं लगा हुआ है बारिश की वजह से फ्लैग नहीं लगा हुआ है। ये देखिए आपको, ये देखिए ये जो है ये वाला फ्लैग का है, ये इंडिया में सबसे ऊँचा है फ्लैग यहीं पर रहता है। इसका नाम था नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन बाद में फिर यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसको दीपा पाटिल नाम देना चाहिए जो कि यहाँ के एक पहले के आर्टिस्ट हैं। तो अभी रिसेंटली उद्धव ठाकरे जी ने जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया है, तो वो उन्होंने नाम जाते जाते चेंज करके गए दीपा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नाम होगा। इनॉग्रेशन मुझे लग रहा है 18 में हुआ था दोस्तों, और 2025 तक इसका मतलब बनने का जो है वो लगा हुआ है, प्रोजेक्टेड है। हाँ तो देखते हैं 25 तक कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। अडानी जी बन चुके हैं इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, और उन्हीं को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, अडानी ग्रुप को मिला हुआ है, जिसकी डेडलाइन है हम लोग 25 बता रहे थे आपको, लेकिन 24 का डेडलाइन है, मतलब 24 तक कंप्लीट करने का जो है उनको डेडलाइन है। तो देखते हैं 24 तक कंप्लीट होता है या और टाइम लगता है, देखिए।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।